फ्रेंड्स माई सेल्फ सुनी को फ्रॉम इंस्टोरो मेडिकल साइंस बी एच यू वॉचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स। तो हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक वीडियो अपलोड किया था एनसीईआरटी का, ठीक है। अब ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी बेस्ड पूरा। तो सबसे पहले हम अपन शुरू करते हैं पेज नंबर 327 से, जहाँ पर दिया गया है रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, अल्कोहल एंड फिनॉल्स का रिएक्शन विथ मेटल्स कैसे कैसे होगा। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन लेते हैं। तो अल्कोहल का आप सोडियम से रिएक्शन कराइएगा, ठीक है। तो बस आपको ओ एच, ये जो एच है, एच प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है। ओ माइनस बचेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम प्लस बनाना बनाता है और ये पॉजिटिव निगेटिव का चला जाएगा। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म चाहिए तो मेरा एक्चुअल जाकर वीडियो देखिए, ठीक है, जो फुल लेंथ वीडियो ये रिविजन के लिए। तो आर ओ एन ए फॉर्म होगा, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक। वैसे ही एन सी आर टी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। इसका रिएक्शन अल्मोनियम से कराया है, बात वही होगा, एच हटेगा, ओ बनेगा, ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ए एल बनाएगा, ए एल प्लस थ्री, और चूंकि थ्री है और यहाँ वन है तो मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि सी 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 ओ ये होल थ्राइस एल जुड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पर गलतियाँ करते हैं लोग, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसे मान लीजिए ये तो अल्कोहल का हो गया, फिनॉल आपको दिया है, ठीक है। तो फिनॉल भी क्या होगा, सोडियम से रिएक्ट करेगा, बात वही होगा, एच प्लस बाहर निकलेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम पॉजिटिव बनाएगा एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ओ एन ए, क्लियर, सोडियम फिनोक्साइड। ओके, नाउ इन एडिशन टू दिस फिनॉल ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म दिस सोडियम फिनोक्साइड्स, क्लियर। सोडियम हो या सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड हो, दोनों में बात यही होगा, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, तो ये कुछ रिएक्शन जो कि मेटल से, खासकर अल्मोनियम वाला आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब अगला रिएक्शन जो है स्टेरिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एक अल्कोहल दिया गया है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा एसिड का। सो अल्कोहल रिएक्टेड विथ एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इस्टर। सिंपल सा क्या बनेगा, इस्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। आपको ये बनाने आता भी है, इस्टर कैसे बनते हैं, तो जैसे मान लीजिए आर ओ एच है, ठीक है, बस पानी तो निकालना होता है, बस आपको क्या करना है, इन दोनों मॉलिक्यूल से एस टू को बाहर निकाल देना है, ठीक है। यदि आप एस टू को बाहर निकालते हो तो एस टू के बाहर निकलने से जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी एस्टर्स। सो एस्टरीफिकेशन मैकेनिज्म हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एस्टर फॉर्मेशन। तो अब एस्टर फॉर्मेशन के लिए जो लाइन सेंसेटिव लिखे हैं उनको मैं पढ़ देता हूँ। द रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये पहला एमसीक्यू बन सकता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग। सेकंड, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है एमसीक्यू में। द रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल है, ओके, देयरफॉर वाटर इज रिमूव एज सून एज इट इज फॉर्म, क्लियर। नाउ तीसरा एमसीक्यू क्या बन सकता है, द रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ओके, इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज पाइरिडिन। तो एसिड क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाते हैं, मतलब आप देखो आपको एनसीईआरटी में दिया होगा, जैसे अल्कोहल है मान लीजिए, ओके, या फिनॉल है कुछ भी हो, इसका जब रिएक्शन करेंगे हम एसिड हैलाइड से, ये वाला, तो यहाँ सी एन निकलेगा, क्लियर। तो ये जब रिएक्शन होता है इस्टर बनाने के लिए, तो आपको पायरिडीन यूज करना चाहिए, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज, क्यों, क्योंकि ये सी एल है, यहाँ से एच निकलेगा तो एच सी एल फॉर्म करेगा जो कि एसिड है, तो बेस है पायरिडीन, तो एसिड को खत्म करने के लिए बेस यूज करते हैं। तो ये चौथा एम सी क्यू बन सकता है, ठीक है, पायरिडीन क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज नहीं करना चाहिए, बात समझ आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आपके एम सी क्यू में पूछे जा सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज सैलिसाइलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन सी एस थ्री सी ओ होल ट्वाइस, ओके, ओ इनका रिएक्शन करवाते हैं एच प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है आपको, एस्पिरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान से रखिएगा, ये ऐसे दिया जाता है तो कुछ लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, ये कुछ नहीं है, ये एनहाइड्राइड तो ही है, एनहाइड्राइड तो ही है, ये देखिए इस इज एनहाइड्राइड, इसी को उन्होंने ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में उठा कर देते क्वेश्चन ऐसे, तो काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको इस कन्फ्यूजन से बचने की कोशिश करना है, ठीक है। देख रहे हो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ये नहीं है, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चार पांच तरीके के क्वेश्चन से ना एस्पिरिन पर एक दो एमसीक्यू और पूछे जाते हैं। दैट इज एस्पिरिन के पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, एस्पिरिन के पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैव एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है ये, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज ल्यूकास टेस्ट, क्लियर। तो
जब हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, ओके, तो क्या बनता है आपका? यहाँ पता आपको बताया था, इस पर अटैक करेगा यहाँ पर, तो ओ एच टू लीव करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन कार्बोकैटायन बनेगा, फिर एक्स अटैक कर देगा तो RX बन जाएगा। मतलब ध्यान रखना है कि जब भी हैलोजन हैलाइड्स का HX का रिएक्शन होता है, ये ल्यूकास टेस्ट नहीं है, ल्यूकास टेस्ट मैं बता रहा हूँ अभी, अल्कोहल से रिएक्शन करवाते तो RX बनता है और इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्लियर? नाउ देयर इज डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl। जब HX HCl हो, जब HX क्या हो, HCl हो, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों का रेट अलग अलग होगा HCl से रिएक्ट करने का, क्योंकि इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, ठीक है, तो जल्दी रिएक्शन देगा, 1 डिग्री लेस रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं। ल्यूकास पहले आपको याद होना चाहिए, ल्यूकास रीजन किसको कहते हैं, MCQ पूछा भी गया है, ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ध्यान रखना है आपको, HCl इज कॉन्सेंट्रेटेड, सो ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकास रीजन। क्लियर? इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सो अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रीजन व्हाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन सोल्यूशन। जो हैलाइड्स बनेगा वो कैसा होगा आपका, अल्कोहल तो सोल्यूबल हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन जो हैलाइड्स बनता है वो इमिसिबल होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, जो आपका हैलाइड्स बनेगा वो कैसा होगा, इमिसिबल होगा, एंड उसी के कारण क्या बोलता है, टर्बिडिटी मिलता है आपको। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा, टर्बिडिटी सबसे जल्दी मिलेगा, सॉरी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री सबसे जल्दी टर्बिडिटी शो करेगा, देन 2 डिग्री, देन 1, मतलब टर्बिडिटी वो जल्दी शो करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। 1 डिग्री को तो एनसीआर लिखता है कि भाई 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो MCQ क्या क्या बना, ल्यूकास रीजन किसको बोलते हैं, कि इसमें सबसे जल्दी टर्बिडिटी आएगा, टर्बिडिटी क्यों आ रहा है, तो ड्यू टू द इमिसिबल हैलाइड्स, जो हैलाइड्स हैं फॉर्म होगा उसके इमिसिबिलिटी के कारण आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने आपके ल्यूकास टेस्ट से। अपन सारे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज डिहाइड्रेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, तो आपको पता है अल्कोहल्स, जो भी अल्कोहल हैं, अल्कोहल अंडर को डिहाइड्रेशन, इट इज रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन। अल्कोहल क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा, यदि डिहाइड्रेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एनी प्रोटिक एसिड सच एज कंसनट्रेटेड H2SO4 दो, या कंसनट्रेटेड CH3PO4 दो, और कैटलिस्ट सच एज योर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ओके, और एल्यूमिना Al2O3। तो ये कुछ कंसनट्रेटेड H2SO4, H3PO4, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड Al2O3, ये कुछ कंपाउंड्स है जो कि अल्कोहल किस्म कन्वर्ट करेंगे अल्कीन में। NCERT के पॉइंट्स ध्यान रखना भाई, NCERT के एक भी पॉइंट्स को आपको मिस नहीं करना, ये सारे रिएजेंट आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम NCERT। क्लियर? नाउ एक कंपाउंड आपको मैं देता हूँ, जो इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन करवाइए H2SO4 एट 443 केल्विन, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइलर कंडीशन, जैसे मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आप इसमें 85% H3PO4 दीजिएगा, यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तो आप 20% H3PO4 में भी रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये सारे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनना है, ध्यान रखना इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, डिहाइड्रेशन हो या रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स हो, सब में इंटरमीडिएट्स क्या बनेंगे, कार्बोकैटायन। क्लियर ध्यान रखना आपको। चलिए नाउ वी कमिंग फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में पता भाई आपको, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एंड दिस विल लीड टू एसिड फॉर्मेशन। क्लियर, एल्डिहाइड विल फॉर्म एसिड, कीटोन एसिड नहीं फॉर्म करता है। ठीक है ना, कीटोन एसिड फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्लियर, बस समझा रहा। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज योर पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। तो एनसीआरटी क्लाइंट ध्यान रखना है, अल्कोहल से यदि आपको एसिड चाहिए डायरेक्टली, यू कैन यूज KMnO4। एक और चीज़ बता दूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा वीडियो अपलोडेड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, बहुत शानदार वीडियो है। ठीक है, SK सीजर के नोट्स के बीच बहुत शानदार, उसको देख लो, आपको कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है, डायरेक्टली आप KMnO4 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम इज ऑल्सो यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ अल्डिहाइड। मतलब आपको अल्कोहल से यदि अल्डिहाइड चाहिए तब आपको CrO3 यूज करना चाहिए, ना कि KMnO4, क्योंकि KMnO4 डायरेक्टली क्या बना दे रहा है, एसिड बना दे रहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स MCQ में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अ बेटर एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, अ बेटर एजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है अल्डिहाइड में, तो बेटर एजेंट क्या है, PCC, दैट इज पायरिडिनियम
क्लोरोक्रोमेट, ये बेटा रीजेंट है ठीक है। ये किसका कॉम्प्लेक्स है भाई, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ पाइरिडीन एंड HCl ठीक है। तो ध्यान रखना आपको 1 डिग्री को कन्वर्ट करना एल्डिहाइड में, तो बेटा रीजन क्या है PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नाम ही पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो प्रेजेंस होगा इसका ठीक है। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स बाई क्रोमियम एनहाइड्राइड ऑल्सो, CrO3 करेगा सेकेंडरी अल्कोहल को भी कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है ठीक है। सारे एनसीडी को मैं लाइन बता रहा हूँ तो ध्यान से रखना आपको। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल, जो 3 डिग्री अल्कोहल है डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान रखना आपको। अंडर इसको मैं अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है, बट अंडर अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज यू आर आइदर गिविंग KMnO4 एंड टेम्परेचर इज एलिवेटेड ओके, देन देर विल बी क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इंस्टीड ऑफ ऑक्सीडेशन ओके, एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म, क्लियर, यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ध्यान रखना आपको 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजी नहीं है, यदि आप करवाते भी है KMnO4 देखो टेम्परेचर बढ़ाकर, तो पहले तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज होगा और जो जो क्लीवेज का जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा दो चीज़ और ध्यान रखना, दो तीन रिएक्शन, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूँ, इसको कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो 1 डिग्री अल्कोहल को आप रिएक्शन करवाएंगे कॉपर 570 देन, इस बार नीट में क्या पूछा था पिछले बार 573 केल्विन पूछ दिया था, तो कुछ लोग याद रखते हैं कॉपर 300, कॉपर 300 ओके 573 केल्विन, केल्विन में दिया है तो 573 ही होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा। यदि सेकेंड डिग्री अल्कोहल करा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको कीटोन्स मिलेगा, लेकिन यदि 3 डिग्री अल्कोहल करा रहे हैं तो अल्कोहल 3 डिग्री में बताया आपको ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, वो ये क्या बना लेता है कॉपर 300 के प्रेजेंस में अल्किन बना लेता है ठीक है। कॉपर फिफ्थ ये क्या बनाएगा अल्किन बनाएगा, तो पहला वाला क्या बनाएगा एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन बनाएगा और 3 डिग्री अल्किन बनाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है। ये पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए मैं बार बार ऐसा लगा रहा हूँ, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, वो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है ये उनका ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन द बॉडी प्रोड्यूसेस द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉलोड बाई एसिड, तो मिथेनॉल और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा उससे बाद में क्या होगा एसिड प्रोडक्शन होगा ओके। और एट टाइम्स द अल्कोहलिक जो दारू पीते हैं बाई मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल, वो क्या करते हैं इथेनॉल प्लस मिथेनॉल ओके, बाई मिस्टेक इथेनॉल प्लस मिथेनॉल पी लेते हैं भाई, बाई मिस्टेक दे ड्रिंक इथेनॉल मिक्सड विथ मिथेनॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज ऑल्सो नोन एज डी नेचर्ड अल्कोहल, क्लियर। इन द बॉडी मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मिथेनोइक एसिड, क्लियर, एंड इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, एंड दिस मिथेनोइक एसिड इज वेरी डेंजरस, इट विल कॉज ब्लाइंडनेस एंड डेथ, सो मिथेनॉल नहीं पीना चाहिए आपको ठीक है। एंड अ मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड बाई गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ इथेनॉल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई उसको ट्रीट करने के लिए क्या दोगे आप, तो इथेनॉल दोगे ठीक है। द इंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड इज स्वैम्प्ड अलाउड टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मिथेनॉल ओके, ये दे रहे हो ताकि इंजाइम इधर डायरेक्टेड हो जाए और मिथेनॉल बाहर निकल जाए बॉडी से, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है, आएंगे ही आएंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन फिनॉल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। तो फिनॉल, फिनॉल का यदि आप रिएक्शन करवा रहे हो डाइल्यूट HNO3 से, किस रिएक्शन करवा डाइल्यूट HNO3 से, तो क्या मिलेगा आपको ये फिनॉल यहाँ रहेगा, या तो ऑर्थो पर NO2 लग जाएगा या पैरा पर NO2 लगेगा, ध्यान देना एक ही जगह NO2 लगेगा, मैं चलिए बनाता हूँ तो आप लोग प्रॉब्लम में फंसोगे, ये ऐसा बनेगा प्रोडक्ट ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। आपको पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है दिस वन, यह क्या करेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जबकि जो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये किसके अंदर जाएगा इंट्रामोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर, बात समझ आ रहा है ना ठीक है। इसलिए दोनों आइसोमर को मतलब ऑर्थो और पैरा आइसोमर, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किससे, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, स्टीम डिस्टिलेशन, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको ये सब चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट फिनॉल को आप रिएक्शन करवा रहे हैं कंसनट्रेटेड HNO3, अभी ध्यान रखना अभी मैंने डायल्यूटेड से कराया था, डायल्यूटेड से कराने पर एक ही जगह पर NO2 लगा था, और कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड से कराने पर क्या होता है तीनों जगह NO2 लग गया था, क्योंकि कंसनट्रेटेड है ना मामला, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। एक और NCERT का इंपॉर्टेंट पॉइंट सोल लीजिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से,
नाउडेज पिकिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। पहले क्या करते हैं, फिनॉल को किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ क्या बन जाता है, फिनॉल टू सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, डाईसल्फोनिक एसिड, फिनॉल टू डाईसल्फोनिक एसिड बनेगा। इस फिनॉल डाईसल्फोन टू डाईसल्फोनिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, किसे करेंगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। तो क्या मिलेगा आपको, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये आजकल का प्रोसेस होता है, एमसीक्यू में पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्रिफर्ड नाउअडेज। अगला देखिए, अगला है, मैं लिख नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन कराइएगा आप Br2 NCS2, ओके। तो क्या होगा आपका, फिनॉल फिनॉल रहेगा, एक Br यहाँ जुड़ सकता है और पैरा वाला भी बन सकता है, मतलब Br यहाँ जुड़ सकता है। लेकिन यही रिएक्शन आप कराते हैं फिनॉल का सिंपल Br2 के प्रेजेंस में, कोई CH2 नहीं है, तब क्या होगा, तब वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, तीनों जगह Br जुटेगा, यहाँ भी Br होगा, यहाँ भी Br होगा, यहाँ भी Br होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, याद रखेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका सेकेंड वीडियो, और इसका थर्ड वीडियो हम बाद में करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चलिए लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप सबका रिवीजन अच्छे से हो सके। चलिए, थैंक यू।